किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति, किसानों को ससमय भुगतान हेतु। सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव कृषि विभाग से, कृषि विभाग अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड मत्स्य प्रक्षेत्र मात्स्यिकी तकनीकी सहायक नियमावली 2023 की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव भी कृषि विभाग से, झारखंड सहकारिता सेवा के श्री सिनु राम जारिका सेवानिवृत्त संयुक्त निबंधक सहयोग समितियों को दिनांक 29/12/1991 के प्रभाव से वैचारिक रूप से सुपर टाइम स्केल में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु अपर निबंधक सहयोग समितियां अनुसूचित जनजाति कोटि का एक छाया पद सृजित करने के संबंध में। संक्षेप में, श्री जारिका जो कि रिटायर्ड है, उन्हें 29/12/1991 के से वैचारिक रूप से सुपर टाइम स्केल उन्हें प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से, साहिबगंज जिला अंतर्गत भोगनाडी मालभिटा लखीपुर पथ कुल लंबाई 8.87 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में। चौथा प्रस्ताव वित्त विभाग से, ई कुबेर प्लेटफॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि को जस्ट इन टाइम पर जारी करने की SNA स्पर्श प्रक्रिया लागू करने के संबंध में। ये वर्तमान में 2 पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए प्रारंभ किया गया था। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और स्वच्छ भारत अभियान, इन 2 योजनाओं के लिए लागू किया गया था और अब 4 और योजनाओं में इसे लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के लिए और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम जो कि वन पर्यावरण विभाग की योजना है, इन 4 योजनाओं में इसे लागू किया जाएगा। पांचवा प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 280 नव उत्क्रमित +2 विद्यालयों में योजना मद में सृजित किए गए पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 6 भी स्कूली शिक्षा विभाग से, झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9-12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे निशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति। जो पूर्व निर्धारित राशि थी 80 पृष्ठों की, वो ₹20 था और वर्तमान में 120 पृष्ठों की कॉपी हेतु कुल ₹30 प्रति कॉपी निर्धारित किया गया है। इसमें कुल जो संख्या है वो है 9,26,704 छात्र छात्राएं। प्रस्ताव संख्या 7 स्कूली शिक्षा विभाग से,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 1353 नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में योजना मद में सृजित किए गए पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु संशोधित दर की स्वीकृति। जो दर कल्याण विभाग द्वारा हाल में जो परिवर्तित किया गया है उसे सामान्य छात्र छात्राओं के लिए एडॉप्ट किया जा रहा है। इसके तहत 1 से 5 की कक्षा के छात्रों को 1500 रुपये प्रति वर्ष की दर से दिया जाएगा और 6 से 8 के छात्र छात्राओं को 2500 रुपये प्रति वर्ष की दर से। ये सामान्य के लिए है और क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं वह कल्याण विभाग अंतर्गत वे आच्छादित हैं और इसमें कुल संख्या बच्चों की हो जा रही है 1,32,881 और कुल राशि लगभग 25 करोड़ इन्वॉल्व है। प्रस्ताव संख्या 9 नगर विकास एवं आवास विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अंतर्गत 7,251 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनवार शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति। 10वां प्रस्ताव उसी योजना के अंतर्गत डोमचाच शहरी जलापूर्ति परियोजना कुल 9,227 लाख रुपए की लागत पर उसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य गैर शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों के मामले में झारखंड सेवा संहिता के नियम 243 के परंतु को छांद करने के संबंध में। इसके तहत जो चिकित्सा पदाधिकारियों को उच्चतर अध्ययन के लिए अनुमति तभी मिल पाती थी, उन्हें एनओसी मिल पाता था यदि वे 1 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर लिए होते थे, उसके बाद ही उन्हें अनुमति अनुमान्य रहती थी। लेकिन उस प्रावधान को शिथिल किया जा रहा है ताकि जो इच्छुक हैं हायर एजुकेशन के लिए वे उन्हें अनुमति मिल सके। प्रस्ताव संख्या 12 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर रजनी रूपम चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। ये 1/2/2021 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण इन पर कार्रवाई हुई। प्रस्ताव संख्या 13 पथ निर्माण विभाग से देवघर जिलांतर्गत सारवा पालाजोरी भाया रायकुंड महापुर पथ कुल लंबाई 18.1 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई और इसमें कुल राशि जो निहित है 140 करोड़ 38 लाख 4 हजार 200। प्रस्ताव संख्या 14 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य में संचालित 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में दिनांक 1/12/2004 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन उपादान की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत जो 1/12/2004 और 31/8/2022 के बीच जो नियुक्त हुए हैं उन्हें ही वे न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत वे आच्छादित थे, तो उन्हें विकल्प रहेगा, वे या तो पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं या अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प दे सकते हैं शपथ पत्र के
माध्यम से। और इसमें कुल अनुमानित व्यय भार 39,36,45,148 रुपए मात्र संभावित है। प्रस्ताव संख्या 15 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 117 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति और इस हेतु कुल 70,20,00,000 रुपए मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई। ये दोनों मिलाकर के लगभग 2300 रुपए प्रति क्विंटल अधिप्राप्ति की राशि होगी। हाँ 2300 लगभग 2300 है और जो टारगेट अधिप्राप्ति का रखा गया है लक्ष्य वो 6,00,000 मेट्रिक टन रखा गया है और इसीलिए 70,20,00,000 मात्र व्यय होगा इसमें। प्रस्ताव संख्या 16 भी खाद्य सार्वजनिक वितरण मामले विभाग से है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान तीन प्रस्ताव हैं खाद्य सार्वजनिक वितरण मामले से और तीनों एक तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति, किसानों को ससमय भुगतान हेतु 1,000 करोड़ मात्र की अधिसीमा तक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के साथ साथ झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना के लिए राशि की व्यवस्था तथा राइस मिलरों को ₹60 प्रति क्विंटल की दर से इंसेंटिव भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। तीसरा प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प 15-9-2020 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। मुख्य रूप से जो झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु जो खाद्यान्न की आवश्यकता है उसकी प्राप्ति जो धान अधिप्राप्ति योजना से तैयार जो हमारा कस्टम मिल राइस होगा उससे किया जाएगा। 6,00,000 मेट्रिक टन जो टोटल लक्ष्य रखा गया है उसके तहत 2.3 लाख मेट्रिक टन का क्रय झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए किया जाएगा। इसके तहत जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हमारे हैं उनको खाद्य की आपूर्ति इसके अंतर्गत किया जाएगा और 3.7 लाख जो शेष है वो सेंट्रल पूल के लिए किया जाएगा जिसके तहत जो हमारी दूसरी योजनाएं हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उसमें खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। प्रस्ताव संख्या 18 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर तुनुल हेम्ब्रोम तत्कालीन सिविल सर्जन गढ़वा संप्रति सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 है वाणिज्य कर विभाग से CTMIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री TCS को एक वर्ष अर्थात 1/4/2023 से 31/3/2024 तक की अवधि के लिए अवधि विस्तार एवं उक्त पर संभावित व्यय ₹4 करोड़ के व्यय पर मंत्री परिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 20 ये घटनोत्तर स्वीकृति दी गई पंचम झारखंड विधानसभा का त्रयोदश शीतकालीन सत्र 15/12/23 से 21/12/23 तक आहूत किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 नगर विकास विभाग से रामगढ़ क्लस्टर अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना PPP मोड की पद्धति पर कुल 633 करोड़ 67,52,000 मात्र की
योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 22 भी घटनोत्तर स्वीकृति है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से राज्य की नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 नगर विकास एवं आवास विभाग से मेदनी नगर नगर निगम अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना पीपीपी मोड पर कुल राशि 266,70,76,000 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 24 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल हजारीबाग अंतर्गत महतो अहरा रामपुर बसरिया चौपारण पथ कुल लंबाई 32.8 किलोमीटर की राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु 25,63,97,000 रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 25 ऊर्जा विभाग से भारत सरकार की रूफ टॉप योजना के केंद्रीय वित्तीय सहायता राशि में संशोधन एवं सोलर स्ट्रीट लाइट के अतिरिक्त क्षमता के अधिष्ठापन कार्य के फल स्वरूप सोलर सिटी गिरिडीह के सोलर सिटी योजना के प्रथम पुनरीक्षित प्राकलित राशि में 106.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 26 पथ निर्माण विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत डोरवा पाता दुगुनिया रोंगो नंदपुर पथ कुल लंबाई 23.97 किलोमीटर का पुनर्निर्माण कार्य कुल निहित राशि 51,87,32,300 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 27 भी पथ निर्माण विभाग से मनोहरपुर अंतर्गत महादेवशाल कुमड़ी पथ कुल लंबाई 8.49 किलोमीटर इसका पुनर्निर्माण कार्य पुलों के निर्माण सहित कुल राशि 25,02,300 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। धन्यवाद।